हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस हमारे चैट विद मास्टर सीरीज के अंदर। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और पहले एपिसोड में समीर सर थे हमारे साथ में, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा शंकर सर से कि वो हमारे साथ में जुड़ें, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और वो अब हमारे साथ में हैं। तो ये जो सीरीज है हमने स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, अभी तक अपने चैनल के ऊपर पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हैं, मैं ही आता हूं, मैं ही बोलता रहता हूं खाली, और तो कोई सुनते नहीं हो आप किसी को। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास चारों तरफ जो इतने सालों से लगे हुए हैं, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ वो भी जुड़ने चाहिए। हालांकि इनको सुनते रहते हैं आप बहुत सारी जगह के ऊपर, हर समय टीवी चैनल के ऊपर ये लोग आते रहते हैं, बहुत ही नामी लोग हैं, लेकिन अपने चैनल के ऊपर मैं अपने थोड़े स्टाइल से अपनी साइकोलॉजी के साथ आप लोगों के लिए प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और थोड़ा सा उसमें मेरा भी फायदा हो जाता है कि मैं इनके साथ में जुड़ जाता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शंकर शर्मा सर, फर्स्ट ग्लोबल के सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े हमारे लोगों के लिए। हमारे चैनल के ऊपर 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं सर, और वो सब्सक्राइबर सारे के सारे आपके भी बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हैं आपसे बात करना। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहता हूं आज हम पूरी खुल के बात करें, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैनल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, आप जो मर्जी खुले बिंदास में बोल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको टाइम जिस समय से ज्यादा फॉलो करना शुरू किया वो था 2008, और 2008 में मेरे साथ में जितने लोग में जुड़े हुए थे उनके उनको मैं एक बात बोला करता था उस समय कि ये मार्केट जो है जिस तरह से काम कर रही है इसमें एक बहुत बड़ा एक बेयर फेस स्टार्ट होने वाला है, हो जाएगा ऐसा करके। और उस समय सर मुझे बहुत गाली पड़ती थी, सर सच में बता रहा हूँ मुझे बहुत गाली पड़ती थी, क्योंकि 2007 लास्ट के अंदर किसी को भी ये बोल दो ना तो सबसे बड़े दुश्मन थे आप उसके। 2008 आया, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू आया, आपने कहा 4 डिजिट में हो जाएगा सेंसेक्स, और मेरे को बताऊं आपको कि मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा आदमी है जो टीवी पे आता है, चैनल पे आता है, और जो एक्चुअली जेन्युइन बात कर रहा है, बाकी सब तो घुमा रहे हैं, करेक्शन हो गई है, आ गया है, चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में उस समय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली चार्ट स्टडी करता हूँ सर, सिर्फ मेरे चार्ट्स ये बोल रहे थे, और मैंने अपने साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको बोला था कि 3,000 के नीचे निफ्टी आएगी, तो सर उन्होंने बस मारे नहीं मुझे, बहुत सब कुछ कर लिया बाकी उन्होंने मेरे साथ। तो जब आपने कहा कि 4 डिजिट में आएगा सेंसेक्स, तो मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा देखो ये शंकर सर भी ये कह रहे हैं, तो लेकिन सर उन्होंने माना नहीं किसी ने, और उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, वो 2008 के अंदर आपने किस बेस के ऊपर कहा था, मेरे पास तो मेरे चार्ट थे सर, आपने किस बेस के ऊपर कहा था कि 2008 में 4 डिजिट में आ जाएगा सेंसेक्स, जब हम अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आस पास, वहां से आ चुके थे थोड़ा नीचे हम, लेकिन हम वहां काम कर रहे थे, तो कोई क्या लॉजिक था सर उसके पीछे, इसमें थोड़ा शेयर करें सर आप। जी बिल्कुल। तो लॉजिक इसमें दो तीन थे। एक जी लॉजिक तो जो आपने कहा चार्ट बड़े वीक हो चुके थे 2007 के अगस्त के बाद से ही। और कई बार क्या होता है साहब कि चीजें चार्ट पे पहले नजर आने लगती हैं, फंडामेंटली बाद में आती हैं। आप भी चार्ट बिकॉज फॉलो करते हैं सर? मैं तो 30 साल से कर रहा हूं, गुड 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 सर। क्योंकि और मैं इसलिए करता हूं कि ऐसा नहीं है कि सारा दारमदार चार्ट के ऊपर है, लेकिन मैं एक अपने आप को एक मैं तो क्रिकेटर रह चुका हूं, तो मैं अपने आप को एक क्रिकेट के नजरिए से हर चीज को मैं परखता हूं। और अगर आप बैट्समैन हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ कवर्ड ऑफ साइड के शॉट खेलना सीखूंगा, मैं ऑन साइड नहीं सीखूंगा, और बॉल बेशक ऑन साइड पे भी आए तो मैं खेलूंगा कवर ड्राइव ही। तो साहब वो फिर आप कोई प्लेयर नहीं हुए। तो जब तक गेंदबाजों को समझ में नहीं आएगा कि आपको लेग साइड पे देंगे तो आप आउट हो जाएंगे, तब तक तो रन बन जाएंगे आपके। लेकिन जिस दिन गेंदबाजों को समझ में आ गया कि इसकी वीकनेस ये है, वो सारे शॉट वैसे ही खेलता है, चाहे बॉल कहीं भी डालो आप लंबा नहीं खेल पाओगे। सो चार्ट एक एसेंशियल टूल है जो कि लेजिटिमेट है, लीगल है, अवेलेबल है फ्रीली टू एवरीबडी।
एंड निर्णय के मानना है कि आप फंडामेंटल्स भी देखो, चार्ट भी देखो, कई और चीजें भी देखो, सब चीजों को देखेंगे तो वेट ऑफ एविडेंस आपके पास आएगा। एंड मार्केट में इन्वेस्टिंग में एक ही चीज याद रखिएगा साहब, वेट ऑफ एविडेंस। ये एक डिटेक्टिव की तरह आप मार्केट को एनालाइज करते हैं कि यहां पर ये मिला, यहां ये सुराग मिला, यहां ये क्लू मिला, ये फैक्ट था, बंदा इतने बजे निकला, ये सारी चीजों से एक आपको मैप मिलेगा मार्केट का। तो चार्ट उसमें एसेंशियल है, जस्ट लाइक फंडामेंटल्स एसेंशियल है, मैक्रो डेटा एसेंशियल है, इंटरेस्ट रेट एसेंशियल है, चार्ट भी एक एसेंशियल पार्ट है उसका, राइट? तो पहला आपका आपका मैं पहला सवाल तो वो बोलता हूं, तो चार्ट काफी वीक हो चुके थे राइट फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ 2007 एंड ग्लोबली वीक होने लगे थे, इंडिया में भी होने लगे थे, राइट? नाउ द की क्वेश्चन वॉज वाई वर दे बिगिनिंग टू लुक वीक। सो जब कई बार चार्ट कुछ कहता है तो इंसान बोलते हैं लेकिन ये कह क्यों रहा है, ये बात ये कह क्यों रहा है। मेन सवाल ये चार्ट, चार्ट पे बस चलिए, चार्ट को जो कह रहा है उसको आप सोचने की लॉजिकली समझिए कि ये क्यों इस तरह का सेटअप बना रहा है, ये क्यों ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो उससे आपको मैसेज मिल रहा है कि आप मैसेज को ईयरफोन में डाल के सुनो वो कह क्या रहा है, बिकॉज वो कोड में कहता है, वो साफ साफ नहीं कह देता, तो उस कोड को जानना पड़ेगा आपको। तो वो मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे कोड में कई चीजें नजर आई, कोडेड लैंग्वेज में एक चीज ये नजर आया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी थी वो थर्ड क्लास बिजनेस था, कोई कंपनी में कोई कैश फ्लो नहीं था, कोई कंपनी में सब मैनिपुलेटेड थे, टोटल पूरी की पूरी कॉम मैनिपुलेटेड थी। एंड सेकेंड था बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। और मैं मानता हूं कोई हर मार्केट में अगर ये दो सेक्टर चल रहे हो तो मार्केट वैसे ही उसका पैक होने वाला है, आज नहीं तो कल, ओके? और हमने बड़े पैसे बनाए बाय द वे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं इतना बोल देता हूं। मैंने 2002-03 में लिए थे शेयर, वहां से 2007 तक के 10-15 गुना हो गए थे, लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं किया इस चीज के ऊपर। मैंने पैसे जरूर बनाए बट मैं कभी भक्त नहीं बन गया उसके लिए कि ये तो बड़ी महान चीज है। तो जब लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया मुझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ इंडिया हैज टू ग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू ग्रो, और इस तरह की वाहियात बातें, मैंने कहा ये बहुत हाइपर यूफोरिया में चला गया है, मतलब आप इस बिजनेस को समझते नहीं है। मैं सब कंपनियों को जानता हूं, सबके ऑर्डर बुक फर्जी है या उनमें प्रॉफिट नहीं है। तो वो सारे चलने लगे, बैंक्स चलने लगे, ग्लोबली S&P 500 की प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स became something like a forget, 40-50% होने लगे सिर्फ बैंक से फाइनेंशियल से। और ये सारे थर्ड क्लास बिजनेसेस है, लेवरेज वाले बिजनेस है, लेवरेज कंपनियों का प्रॉफिट का हिस्सा सेंसेक्स में बढ़ जाए और S&P में बढ़ जाए तो वो भी एक वार्निंग साइन। थर्ड वार्निंग साइन वेरी इंपॉर्टेंट इज माय लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी, और इस पर मैं 2 मिनट लूंगा सुनील। लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी, इसको सर 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 इसको मैं अलग से एक पूरे सेगमेंट के रूप में लेना चाह रहा हूं सर, ये हमने पूरा रखा हुआ है अपना इसका, तो आप इसको होल्ड करके रखें, इसको मैं पूरे सेगमेंट के रूप में लूंगा एक। तो मैं इतना ही कहूंगा कि और थर्ड पॉइंट था इस पूरी एनालिसिस में लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी, जो कि मैं बाद में जब उस सेगमेंट पे आएंगे तो एक्सप्लेन करूंगा। तो लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी ने भी क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केट डेंजरस लेवल में पहुंच चुका है, अब इसमें अपसाइड नहीं है, डाउनसाइड कितना होगा ये फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन अपसाइड नहीं बचा है मार्केट। बट ये 3 फैक्टर्स थे, चार्ट बुरे थे, थर्ड क्लास सेक्टर्स चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, फाइनेंशियल्स एंड लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी, ये तीनों को मिला के 2007 के दिसंबर में मैंने ऑफिस में कह दिया था सबको कि मार्केट पैक है बॉस, टोटल पैक है। ये 4 डिजिट वाला जो था कन्विक्शन सर, वो कहां से आया? क्योंकि ओपनली आके चैनल के ऊपर बोलना 4 डिजिट में आ जाएगा, अपनी रेपुटेशन भी एक आदमी दाव पे लगाता है बोल के, क्योंकि बहुत सारे ट्रोल खड़े हो जाते हैं उसके बाद। तो ये 4 डिजिट वाला कन्विक्शन कहां से आया सर? बड़ा सिंपल है, आप मार्केट के इंटरनल्स को देख लेते कि सारी प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आ रही थी, और अगर आप देखते, मेरे को याद नहीं अभी तो 12-13 साल पहले की बात है, बट अगर देखते तो इंफ्रा और बैंक्स का जो शेयर था बहुत बढ़ गया था इन टर्म्स ऑफ द टोटल मार्केट कैप एंड ऑफ द टोटल प्रॉफिट। एंड जब ये थर्ड क्लास सेक्टर्स का प्रॉफिट का शेयर बढ़ गया जिसमें प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ बकवास है, बोगस है, तो मैंने एस्टिमेट किया कर ये प्रॉफिट्स 50-60-70% घट जाएंगे तो मार्केट कहां जाएगा। तो सिंपल आ गया सर, मार्केट 70% तो नहीं घटेगा, 50% तो घट ही जाएगा, तो 18-19 हजार का सेंसेक्स था तब। मैंने कहा यार ये सारे सेक्टर्स की प्रॉफिट हो जाएगी 0 या 80% डाउन, तो सेंसेक्स आधा हो जाएगा मोटा मोटी।
वो सिंपल है, 8-9 हज़ार का डेफिसिट निकल गया सर आंकड़ा, यही थी सिंपल। चलो, मतलब उस समय मुझे भी ऐसा लगा था कि आपने इतना ज्यादा वहां पर बोल दिया, और मेरा भी ऐसा कुछ था मानना, तो मुझे लगा एक बार आपसे यहां पर ये पूछ लूं कि आपने किस बेस पे बोला। एक सर बहुत बड़ी बात मुझे जो आपकी अच्छी लगती थी उस समय भी, अभी भी लगती है बहुत अच्छी, आपने एक समय उस समय भी एक बात बोली थी कि टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी स्टॉक में, किसी सेक्टर में, या कहीं पर भी किसी कंट्री के अंदर, अगर आप टाइम नहीं कर सकते उसकी एंट्री या एग्जिट, तो मेरा ख्याल में आप बेकार हो। लेकिन ये सर, ये बहुत पुराने इन्वेस्टर जो बड़े बड़े नाम हैं, वॉरेन बफेट और ये और वो, सर उनसे तो सर कहीं मैच नहीं करता। मैं भी इसी कैप में हूं, वैसे बता दूं आपको कि मेरा पूरा गेम, पूरा थ्योरी, पूरा सिस्टम, आज मेरी पूरी जिंदगी और मेरी पूरी कमाई सब टाइमिंग पे ही है, मैं टाइमिंग पे ही काम करता हूँ। मैं एक्चुअली क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा हूँ जो मैं करता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे ये समझना है आपसे कि आपके पास उसका क्या लॉजिक है। क्योंकि सर मैं अगर इतने जो अपना इन्वेस्टर है उनकी बात सुनता तो मैं, मेरा ख्याल में बहुत दिक्कत में आ जाता। लेकिन वो कहते रहते हैं आप टाइम नहीं कर सकते, मार्केट में टाइम देना है, टाइम नहीं करना है, टाइम देना है। सर मुझे तो समझ नहीं आती, और आप भी मेरे ख्याल ऐसे ही हो, तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है कि टाइमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है लाइफ में ही टाइमिंग इंपॉर्टेंट है साहब। यार आप अगर फ्लाइट के लिए 10 दिन पहले पहुंच जाओगे या 10 दिन बाद पहुंचोगे तो फायदा क्या हो रहा है? जिस दिन उड़ना है उसके 3 घंटे पहले पहुंचो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो आप, आपका आपका इम्तिहान अगर 1 तारीख को है और आप 10 दिन पहले ही पहुंच गए इम्तिहान के हॉल में, तो फायदा क्या हो रहा है? या 10 दिन बाद पहुंचे तो फायदा क्या हो रहा है? तो टाइमिंग इज क्रूशियल, इज सर आपके क्रूशियल। ऊपर ये, तो आपके ऊपर हावी नहीं होती वो बातें जो कहते हैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, उस तरह की बातें आप नहीं सोचते थे कभी पहले कि टाइम मैं नहीं पहले कर सकते सोचता मार्केट? था, मैं बताता हूं, मैं पहले सोचता था, वॉरेन बफेट नाम के एक सज्जन है जिनसे बहुत अच्छी चीजें भी सीखी, लेकिन बहुत बुरी चीजें उन्होंने बताई हैं लोगों को, गुमराह किया है नॉट नोइंगली, लेकिन लोग उनके उन लेसन को लेके, डाइवर्सिफिकेशन एक लेसन है कि नहीं करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और ये मार्केट टाइम नहीं कर सकते, सब बकवास है साहब, टोटल एंड अटर नॉनसेंस है। और मैं, जबकि मैं उनको बहुत उनकी चीजों से, कई चीजों से सीखा भी हूं, लेकिन जो नहीं सीखनी थी वो नहीं सीखा, लेकिन लेकिन उन चीजों से मैं गुमराह हुआ बेशक। 90s में पढ़ना स्टार्ट किया, 97 तक मैं गुमराह रहा। 97 से मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट में कई फोर्सेस काम करती हैं, सिर्फ आपके बैलेंस शीट काम नहीं करती, एंड टाइमिंग इज क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। नाउ आप एक एक स्टॉक की टाइमिंग की बात करें नहीं करें, डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल ब्रॉड बिल्कुल, वो साइकिल हाँ की, ब्रॉड बिल्कुल साइकिल की बिल्कुल। टाइमिंग एसेंशियल है। आप स्मॉल कैप की रैली कब खरीदनी है और कब बेचनी है, अगर ये नहीं मालूम है तो आप पैसे नहीं बना सकते साहब, नहीं बना सकते, नहीं बना नहीं बना सकते सकते। बिल्कुल। मैं उसी टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, वो डे टू डे वाली टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, उसी टाइमिंग की कि एक पूरी साइकिल खत्म होने वाली है, अगर हम उसको भी टाइम ना कर पाए तो हमसे बड़ा तो फिर इडियट कोई नहीं है। अगर एक पूरी साइकिल ही खत्म होने वाली है और अगर कहीं स्टार्ट होने वाली है उसको टाइम ना कर पाए हम, और सीधी हम बात कहें है, हम तो लेके बैठे थे, हम तो 10 साल से लेके बैठे हैं, कभी ना कभी तो समय आएगा इसका। हाँ वो क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को भी कभी समझ नहीं आई ये बातें। तो इसका क्या मतलब? मुझे आपकी एक ये बात बहुत बढ़िया लगा। अभी मैं उन बातों पे आ रहा हूँ जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बात आपको मैंने बताई 2008 वाली, दूसरी बात ये कि मुझे, और तीसरी एक बात मुझे आपकी बहुत बढ़िया लगती है कि आपने हमेशा एक बात कही, हालांकि मैं नहीं कर पाता उस तरीके से काम, कि सिंगल कंट्री रिस्क जो है वो नहीं लेना है आपको, वो आपको नहीं लेना है। और आपकी जो वेबसाइट के ऊपर एक इस तरह का लिखा हुआ है कि जो सिंगल कंट्री जो तो फंड होते हैं वो नहीं काम कर सकते हैं अच्छा, और आपको डाइवर्सिफाइड थोड़ा उस एरिया में करना है। आप तो वॉरेन बफेट जी को थोड़ा और आगे पार कर गए हो, स्टॉक्स में भी नहीं, आपने कंट्री में डाइवर्सिफाइड और करेंसीज में और यहां वहां। तो सर इतना डाइवर्सिफिकेशन मैनेज तो एक आदमी तो शायद नहीं कर सकता है कोई भी, आप जैसे लोग कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मतलब आपका कहना ये था उस समय भी कि इंडिया ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हाँ हम ही चलेंगे सिर्फ, और हमारे यहाँ इंडिया में हमेशा ये कहा जाता था कि हम तो हमेशा बुल मार्केट में रहेंगे जी, हमारा हमेशा चलता रहेगा सब कुछ अच्छा। आपका शुरू से ये कहना था कि इंडिया अकेली कंट्री नहीं है जिसने ठेका ले रखा है चलने का, और सही बाकी बात बहुत जगह और हैं और जहां असेट क्लास चलते रहते हैं। और आपका एक ये कोट भी था कि हर जगह कोई ना कोई असेट क्लास होता है जिसमें मूवमेंट आ रही होती है पूरे वर्ल्ड में। इसको करेक्ट। थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए एक्सप्लेन करें सर, इस
जो अपनी लाइन को कि हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी असर्ट क्लास में तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर हम। बड़ा अच्छा सवाल है सुनील जी आपका। मैं आपको ये सारी लर्निंग्स हमारी सर ये पूंजी है हमारी हमारी सर वही तो चाहते हैं सर वही तो चाहते हैं हम लोगों से कि आपके सामने शेयर करना लोगों के साथ। ये हमारा गोल्ड माइन ये सब है सर जो मैं कह रहा हूं। अब होता है क्या सर कि जब वो 30 साल की जर्नी के बाद तो बड़ा आसान सी चीज लगती है, लेकिन जब आप खुद से उसको डिस्कवर करते रहते हो एक स्टेप दूसरे स्टेप, उसका भी एक अलग मजा है। तो ये जो है कि सिंगल कंट्री रिस्क, ये समझ में आई बात 97-98 क्राइसिस के बाद, जब एशियन क्राइसिस हुआ था। मुझे मालूम नहीं आप थे मार्केट में कि नहीं थे, लेकिन अगर थे तो बहुत ब्रूटल पीरियड था वो मार्केट के लिए, बहुत ज्यादा ब्रूटल, एशिया के लिए, इंडिया के लिए, सारे मार्केट्स के लिए। अब उस वक्त एक ऊपर से आकाशवाणी आई कि बेटा लंबा खेलना है मार्केट में तो बाहर भी निगाहें दौड़ाओ, क्योंकि अगर एक कंट्री में फंस के रह गए और वो कंट्री कोलैप्स हो गई, भले भगवान के 33 करोड़ देवी देवता इस देश में क्यों ना हो, लेकिन किसी ने कोई ठेका नहीं लेके रखा हुआ इस कंट्री का। डूबने को हम भी डूब सकते हैं। अगर अगर उस वक्त साहब इंडोनेशिया डूब गया, थाईलैंड डूब गया, रशिया डूब गया, जो हमसे कहीं बेटर कंट्रीज थे, तो हमारी क्या बिस्तात है। तो हमने उस वक्त थिंकिंग बढ़ाई थोड़ी कि बाहर भी देखना स्टार्ट करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसी वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई 97-98, और हुआ ये कि एशिया तो 70% डाउन हो गया साहब, राइट, और सर्टन पार्ट्स ऑफ यूरोप, अगर आप अगर रशिया को यूरोप में लेते हैं। लेकिन उसी टाइम अदर यूरोपियन मार्केट 25% की रैली कर रही, सेम पीरियड 98 में एशिया डाउन 70, यूरोप अप 25%। तो मैंने कहा यार ये मंदी तो है ही नहीं यहां पर, यहां तो तेजी है, तो लोग मंदी मंदी कर रहे हैं बिकॉज वो यही देख रहे हैं। और अगर आपने अपने कुएं के ऊपर निकाल के देखा, कहते कि नहीं कुएं में तेजी मंदी थी, कुएं के बाहर तेजी है, फिर थोड़ा और देखा तो यूएस में घनघोर तेजी है। तो हमने तब ये देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओवरऑल बेयर या ओवरऑल बुल मार्केट होता है, इट ओनली डिपेंड्स कि आप कहां खेल रहे हो। और अगर आपकी फील्ड ऑफ प्ले वाइड है तो आपको गोल करने के अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन जाते हैं। आप समझ लीजिए आप एक स्टेडियम में खेल रहे हो, एक ही गोल पोस्ट है, उसके सामने आप 10 स्टेडियम में खेल रहे हो, यार 10 गोल पोस्ट है सारा, कहीं ना कहीं तो गोल कर ही दोगे, इतने भी कहां गए गुजरे हम लोग, राइट। आप अगर अपने अपनी अपॉर्चुनिटीज की सेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात, अगर आप में स्किल है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल्स है, उन सारे सिस्टम और स्किल को आप अपॉर्चुनिटीज बढ़ा के खेलो, इससे क्या होगा साहब कि दुनिया में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो आप मिस कर जाओगे। तो अगर आप एक शॉप में सुपरमार्केट में जा रहे हो 10,000 स्क्वायर फीट का, और आप एक ही जगह जाते हो 24 घंटे शॉपिंग करने के लिए, आपने देखा ही नहीं बाकी जगह में क्या क्या चीजें मिलती हैं, बाकी जगह कोई सेल भी ऑन है तो आपको मालूम ही नहीं, आप तो उतरते हो और घुसते हो और वहीं चले जाते हो, वहीं से 5 सामान लेते हो आ जाते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है साहब दुनिया में। थोड़ा नजर घुमा के देखो साहब, हो सकता है कुछ कहीं पर अच्छी चीज मिल रही हो, कहीं पर कोई ऑरेंज जूस का प्रमोशन लगा हुआ हो, कहीं हो सकता है कि वो कंपनी अपनी सारी चीजें फ्री में बांट रही हो कि चलो आ जाओ लेके जाओ, वो भी तो देखो। तो सिंगल कंट्री यही कहता है कि भाई दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कहीं ना कहीं हमेशा बुल मार्केट होता है। और इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। दुनिया एक जायंट व्हील है, जायंट व्हील पर चढ़े ना बचपन में हम लोग, जी 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 राइट, जायंट व्हील, लंडन आई, जो भी कहते हैं। आप दुनिया को एक जायंट व्हील की तरह देखें, उसमें कई कार्स ऊपर में है, कई कार्स साइड में है, कई कार्स मिडिल में, और ये जायंट व्हील स्लोली टर्न कर रहा है। दुनिया एक जायंट व्हील है, जो कार ऊपर है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन उसके सामने में जो कार नीचे है उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा। आपको उन्हीं कार्स में रहना है जो ऊपर की तरफ जा रहे हो, और उन कार्स से धीरे धीरे निकलना है जो नीचे की तरफ आ रहे हो, बिकॉज ये टोटल जीरो सम गेम है। वन कार कमिंग डाउन मींस वन कार इज गोइंग अप। एक्सीलेंट, ऐसा नहीं, एक्सीलेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर का कार नीचे आ रहा है बट नीचे का कार नीचे ही रह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता साहब, वो तो चक्कर है। एक्सीलेंट, तो आप तो देयरफॉर उसका तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया ऊपर के कार का,
बट सेम टाइम किसी और का बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। आप दुनिया को ऐसे देखिए सर, बहुत बहुत सिंपल हो जाती है चीज। तो सर अब एक आम इन्वेस्टर के लिए तो प्ले करना मुश्किल हो जाता है, बाहर के जो भी हैं वो कैसे ले कैसे ले। और मुझे पता है आपका एक फंड है ग्लोबल फंड, तो उसके थ्रू प्ले करते हैं ब्लॉग बहुत सारे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर, हमारे लोग भी उसके साथ हो सकता है जुड़ना चाहें तो जुड़ जाए कोई है। जी, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूँ कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में हम ये प्रोडक्ट लाएंगे। हमारे प्रोडक्ट 2015 से चल रहे हैं ग्लोबली, राइट। अब मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था 2019 के नवंबर में मॉर्निंग स्टार कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे में, वो यूट्यूब पे अभी भी आप देख लीजिएगा जी, और वो प्रेजेंटेशन था। और उसके पहले और उसके बाद इंडियन इन्वेस्टर की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। उसके पहले का जो हिस्सा था, सारे फंड मैनेजर्स ने झूठ बोला था इंडियन इन्वेस्टर्स को कि इंडिया में ही सब तेजी है, दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। और मैंने दिखा दिया कि साहब देखो, 10 साल से आपको 0% रिटर्न मिला है डॉलर टर्म्स में, जीरो 2010 से 2019 तक, राइट। लोगों ने आज तक किसी ने बताया नहीं था, लोग अवाक रह गए। उसमें कम से कम 1000 वहां पे होंगे और वो लाइव स्ट्रीम हो रहा था जो भी हो रहा था। और उसके बाद से जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं तो मेरे ईमेल बॉक्स में कंपनी के मतलब हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आने लगे, सर प्लीज टेल अस हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू। मैंने कहा यार मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं तो एक प्रेजेंटेशन कर रहा था। फिर लोगों ने कहा कंपनी में कि सर लोगों के पास डिमांड है तो वी शुड मेक अ प्रोडक्ट फॉर देम। तब हमने ये किया कि चलो एक फंड तो चल ही रहा है, एक हमने $10,000 का भी PMS बनाया जो मात्र 7.5 लाख रुपए में इट गिव्स पीपल लिटरली एवरी एसेट क्लास इन द वर्ल्ड एंड एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू चाइना टू जापान टू एशिया टू यूरोप टू USA टू लैटिन अमेरिका, फ्रॉम गोल्ड टू रीट्स टू प्लैटिनम टू पैलेडियम टू ऑयल, यू नो हाई यील्ड बॉन्ड्स, एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ इट इज वेरी, उसको हमने मतलब ऐसा नहीं फिक्स्ड होता है कुछ, बिकॉज इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड माइंडसेट में ही बंदा मर जाता है। आप जितना इस माइंड को ओपन और फ्लेक्सिबल रखोगे उतनी लंबी पारी खेलोगे। तो ऐसे ही एलोकेशन फिक्स नहीं है कि इमर्जिंग में इतना होना है, डेवलप में इतना होना है, हाई यील्ड इतना होना है, रीट्स इतना होना है, ये सब टैक्टिकल है। तो $10,000 मात्र में एक इन्वेस्टर को ये लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सेस मिलता है। आज हमारे पास इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबली और भी हैं, वो आज तक उनको कभी ये नहीं मिला, दे कैन सी व्हाट दे ओन लिटरली फर्स्ट हैंड। एंड ये मेरे लिए खुशी की बात है कि यू नो ये चीज हमने एक स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, 7.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता उनके लिए भी दिस लेवल ऑफ एक्सेस तो दुनिया में नहीं मिलता साहब, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सर। इसीलिए मैं चाह रहा था सर हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर लाखों लोग हैं, उनमें से अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें आपके साथ में, बाहर एक्सपोजर चाहें, तो जो भी हमारे दोस्त हैं वो ये देख ले, ये वेबसाइट है शंकर सर की और आप इस पे चले जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास और ग्लोबल ने तो मेरे को लगता है एक्सपोजर लेना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा मैं भी जल्दी ही आपकी टीम से बात करने वाला हूँ खुद भी लेकिन फिर भी तो सर ये प्रोडक्ट तो आपका रहा। एक आपने बीच में एक बात छेड़ी थी कि डाइवर्सिफिकेशन वाली, और आपने अपना वॉरेन बफेट जी का नाम भी लिया था, उसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं मैं अब यहां पर। आपने कहा कि सिंगल कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अपना वॉरेन बफेट जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में खेलना है, और बहुत सारे लोग और भी हैं इंडिया में खैर, तो ये डाइवर्सिफिकेशन वाले एंगल को आपने अगर यहां पे जोड़ा है कंट्रीज वाले में, तो स्टॉक्स में भी आप जोड़ रहे हैं इसको कि डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए या इसको भी हमको कॉन्सेंट्रेटेड खेलना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं सर। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल के ऊपर बहुत धक्यानुसी बातें, सुपरस्टिशन मैं बहुत बोलता हूँ मार्केट में फैलाई गई। मैं पहले बता दूं सर मैं अपना रख दूं सर पॉइंट, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं खेलता हूँ सर, मेरे को जितने लोग जानते हैं मैं डाइवर्सिफाइड खेलता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती है, जिसको आओ सर बोलता है 20 का होना चाहिए पोर्टफोलियो, 30 का पोर्टफोलियो बनाओ, इतना बनाओ, इससे ऊपर एक स्टॉक नहीं होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आती है बात, बाकी आप बताएं कि कैसा है ये। मैं बताता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी बात है साहब कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, आपको पहला सवाल ये आंसर करना है कि ये लक का गेम है या स्किल का गेम है। ओके, राइट, पहला सवाल तो ये है। अब मान लीजिए
आपने पांच स्टॉक लिए, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, पांच सात समथिंग लाइक दैट, ईच स्टॉक को आप देखें, एक टॉस ऑफ कॉइन है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एक टॉस ऑफ कॉइन ही है. आप जितना मर्जी रिसर्च एनालिसिस कर ले, इट इज स्टिल अ गेम ऑफ चांस. चांस इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी का गेम है. अगर मैं प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहा हूं और मैं पांच टॉस ऑफ कॉइन कर रहा हूं, मतलब पांच पांच स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, तो उसमें क्या आउटकम्स आ सकते हैं आपके हिसाब से? आप सोचिए एक मिनट, कितने हेड्स कितने टेल्स, मोटा मोटा एक बताइए मुझे. तीन हेड दो टेल आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें. चार हेड भी आ सकते हैं कई बार. चार टेल भी आ सकते हैं, पांच हेड भी आ सकते हैं. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब 0.5 भी हो सकता है. बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब भी हो सकता है. अब इसी को अगर आप बढ़ा के 50 कर दें तो क्या होगा? तो भी हो भी तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर क्या है कि थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा हमारे जीतने का. प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने नंबर ऑफ बेट्स बढ़ाए राइट, तो आपकी आउटकम्स मोर प्रेडिक्टेबल हो जाती है. ओके, सिंपल है ना, कॉमन सेंस है ना साहब, कि आपने अगर 50 टॉस ऑफ कॉइन किया तो मोटा मोटा आपको 45-55 का रेशियो आएगा, 55-45 का आएगा. 50-0 का नहीं आ सकता है, ना ही 0-50 का आ सकता है. बिल्कुल सही. ऐसा नहीं हुआ कि 50 के 50 हेड आ गए या 50 के 50 टेल आ गए. हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके आउटकम्स आएंगे, एक आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को नैरो डाउन कर दिया कि मेरा 45 हेड या 55 हेड यही आएगा. और अगर आपने बढ़ा के 100 कर दिया तो आपने फर्दर उसको नैरो कर दिया टू 48, 52, 49, 51, even 50-50. लेकिन 90-10 नहीं आएगा, 90-10 नहीं आएगा, 10-90 नहीं आएगा. तो अगर आप इन्वेस्टिंग को इस नजरिए से देखें कि इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी ऑल नो दैट, करेक्ट. आप जितने कम नंबर ऑफ बेट्स लेंगे उतना ही आपके आउटकम वॉलेटाइल होंगे एंड नॉन प्रेडिक्टेबल होंगे. आप जितने अपने नंबर ऑफ बेट्स बढ़ाओगे उतने आपके आउटकम्स मोर एंड मोर प्रेडिक्टेबल होते जाएंगे. तो सर ये वॉरेन बफेट जी क्यों कहते हैं सबको फिर? Because Warren Buffett is not a great investor in my view. Very simple. और मैं आंकड़ों के साथ बोल देता हूँ सर, आंकड़ों के साथ बोल देता हूँ. 1982 से अमेरिका में बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, 2000 में वो बुल मार्केट खत्म हो गया. उस 18 साल में आपको सिर्फ खड़े रहना था वहां पर, आपको कुछ नहीं करना था. जैसा कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ और फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में हुआ, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी. आप बस पहुंच गए विकेट पे, रन बनते चले गया, बात खत्म हो गई है. अब तो 18 साल में उन्होंने रिटर्न जो बनाए, बहुत लोगों ने बनाए, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई थिंक ही इज अ बेटर मार्केटियर देन अ फंड मैनेजर विदाउट एनी डाउट. उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही, बट बहुत उनके अगर आप, एंड बाय द वे ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन एट सम लेवल. उन्होंने यही कहा है कि अगर मेरे आप कुछ स्टॉक्स निकाल दो तो मेरी परफॉर्मेंस इज मीडियोकर. दैट मींस उस रिटर्न को भी अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टॉक से आए हैं. और अगर कम नंबर ऑफ स्टॉक से आपके रिटर्न आ रहे हैं, मतलब आपका रोल ऑफ लक इज वेरी हाई. आप समझो मैं क्या कह रहा हूं साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल. अगर आपने 100 रुपए बनाए हैं 25 स्टॉक से वर्सेस की आपने 100 रुपए बनाए हैं 5 स्टॉक से, यू हैव मोर लक रादर देन स्किल. स्किल लेकिन कहा उल्टा जाता है कि अगर मैंने, लेकिन कहा इसको बिल्कुल उल्टा जाता है. अगर आप सुनील जी, अगर आप बैट्समैन हो, मैं दो बैट्समैन की एग्जांपल देता हूं. बैट्समैन ए, पांच टेस्ट की सीरीज है, एक एक इनिंग्स है, एंड में दोनों ए एंड बी ने 250-250 रन बनाए जी, राइट. दोनों ने 5-5 इनिंग्स खेले, कितना एवरेज हुआ दोनों का? 50. दोनों ने 50 का एवरेज हुआ. 50 का एवरेज हुआ. बैट्समैन ए ने हर इनिंग्स में 50 बनाए, बैट्समैन बी ने 4 इनिंग्स में 0 बनाया और लास्ट इनिंग्स में 250 बनाया. वो लकी था, इसका मतलब वो लक था सर. वो उस दिन पत्ते सही पड़ गए. हाँ, विकेट आसान था, बॉलर नहीं अच्छा था, जो भी बहुत कारण हो सकते हैं, या मेरा बाय लक मैंने बना लिया वो चीज.
आंकड़ों में दोनों के पास उतने ही रन थे, लेकिन किस प्लेयर के पास लक ज्यादा था, किस प्लेयर के पास स्किल ज्यादा था, इस एनालिसिस से मालूम चलता है। वही इन्वेस्टिंग का गेम है। अगर आपके रिटर्न्स चुनिंदे स्टॉक से ही आए हैं तो आपके पास लक ज्यादा था, स्किल कम था। अगर वही रिटर्न्स आपके ज्यादा स्टॉक से आए हैं, दैट मींस यू हैड मोर स्किल। सर लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा पब्लिसाइज किया जाता है सर, बिल्कुल उल्टा पब्लिसाइज किया जाता है इसका, कि कम स्टॉक से अगर हमने ज्यादा रिटर्न लिया है तो इसका मतलब हमारी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमने बहुत अच्छा एनालाइज किया है, हमने ऐसे स्टॉक ढूंढे हैं जो मल्टी बैगर्स हैं, इसको ऐसे पब्लिसाइज किया जाता है सर। क्योंकि तो बिल्कुल उल्टी थ्योरी है सर। क्योंकि वो बेबुनियाद बातें लोगों को ज्यादा पसंद आती है दुनिया में सर। अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो कम लोग सुनेंगे, आप बकवास करोगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे सर। ये दुनिया का दस्तूर है और मैं इस दुनिया को चेंज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं सर। जिसको जो समझना समझे, ये बेसिक लॉजिक डेटा कॉमन सेंस ये है। और अगर आपने 5 स्टॉक लिए, ऐसा नहीं है कि 5 के 5 आपके मल्टी बैगर होंगे, उसमें से एक बनेगा राइट। नॉर्मली If you look at strike rate, मैं उसको strike rate के हिसाब से देखे, ये मल्टी बैगर का जो गेम होता है सर, इसमें हार्डली 2% 4% ही आपके अच्छे निकलते हैं, 95% आपके पुअर निकलते हैं। हाँ, उसमें वो 2-3% में आपका अनाप शनाप हो सकता है बन जाए, ये भी हो सकता है कि ना बने और आप बर्बाद हो जाओ। हम एक वॉरेन बफेट के ऊपर सारी थ्योरी बनाते हैं, बट कितने वॉरेन बफेट बने दुनिया में? बिल्कुल। अगर उनका मेथड इतना ही अच्छा था तो दुनिया में करोड़ों वॉरेन बफेट बनने चाहिए थे ना सर, नहीं बने ना। क्यों? और उनकी लाइफ भी इतनी होनी चाहिए थी, और उनकी लाइफ भी 90 ईयर। हाँ नहीं, लाइफ होनी चाहिए, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली वो लक सबके पास उतना नहीं होता है। सो यू कैन बिकम अ लकी फूल, एंड आई से दिस, ऑल ऑफ अस कैन बिकम लकी फूल्स, बट वो स्किल नहीं है। सो देयरफॉर द शॉर्ट पॉइंट इज दैट अगर आपका रिटर्न 2% 5% ही चुनिंदा स्टॉक से आ रहे हैं, शॉर्ट पॉइंट इज कि नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज, वो सब हाइंडसाइट में मल्टी बैगर होते हैं सर। मैंने अमेज़न लिया था 2001 में सुनील जी, 2001 में $15 पे मैंने उसमें 200 गुना पैसे बनाए, ठीक है, 19 साल में। मैंने लास्ट अभी 6-8 महीने पहले बेच दिए, ठीक है। अब मैंने लिया था $15 पे, मुझे मालूम था क्या 200 गुना होने वाला है? नहीं, जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था सर, किसी को पता नहीं था सर, किसी को पता नहीं था। ये तो हाइंडसाइट में हम अपने आप को महान समझ रहे हैं कि मैंने 200 गुना पैसा बना लिया इसमें, बट उस वक्त तो मेरे को इतना ही था कि यार 15 का 30 हो जाएगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था। तो मैं यही कहता हूं कि कोई भी 100 बैगर की जर्नी में आपका जो स्किल पार्ट था वो 1 टाइम 2 टाइम ही तक है, उसके बाद तो भगवान भरोसे ही है कि वो कहां जाएगा और कितना लंबा जाएगा। सर किसी को पता नहीं हो सकता, गूगल अपनी कंपनी बेचने को तैयार था, गूगल अपनी कंपनी बेचने को तैयार था, एग्जैक्टली। अरे साहब टेस्ला, टेस्ला ही ले लो, टेस्ला पिछले 10 साल में बैंकरप्सी के कगार पे रहा है, बिल्कुल। और एलॉन मस्क का अभी इंटरव्यू आया था कि मैंने टिम कुक को कहा कंपनी खरीद लो, 5 बिलियन 8 बिलियन में कंपनी रेडी थी, पर कंपनी को बेचने को मैं रेडी था। अच्छा फिर उसने ना बोल दिया, तो मैंने इसको बोला, गूगल को बोला कि यार तू ले ले, तू तो मेरा दोस्त है। उसने बोला मेरे को नहीं लेना, थर्ड क्लास कंपनी, थर्ड क्लास बिजनेस है। अब वो 10 साल नहीं चला, अब ये सडनली चल गया, तो हम कहते हो महान आदमी बन गया, वो तो भगवान है, अवतार है। अरे यार भगवान था अवतार, तो 10 साल तक क्यों कंपनी बेच रहा था कौड़ियों में अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वी मिस्टेक, सर वी मिस्टेक लक फॉर स्किल ऑल द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी पता नहीं होता एक टाइम के बाद वो कितना आगे तक कोई चीज जा सकती है, इसीलिए हमारे को डाइवर्सिफाइड रहना है थोड़ा सा, और उसके अंदर अच्छी चीजें चुननी है, और उसके अंदर से कोई ना कोई ऐसे होंगे जो हीरे निकल जाएंगे, लेकिन हम ये सोचें कि हम ये 4 जगह पे दाव लगाएंगे, अपने आप को बाद में जाके वॉरेन बफेट साबित करेंगे। मेरा ख्याल में ये जो है ना फूल्स गेम है, और मुझे नहीं लगता ऐसा, फिर भी आपने एंडोर्स करा उसको, और मैं चाहता था आपसे इस बारे में बात करना यहाँ पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाखों लोग हैं सुनने वाले, वो भी जाने इस बात को। मैं हमेशा ये बात बोलता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी ले लो, लेकिन इतनी जरूर होनी चाहिए कि आपका जो है साइज थोड़ा सा ऐसा हो ताकि उसमें से कुछ हीरे आपके निकल जाए। वो किसी को भी पता नहीं है कौन से हीरे हैं वो, एक्चुअली ये किसी को पता नहीं है कौन से हीरे हैं, एक टाइम के बाद। सुनील सुनील, एक ऑयल ड्रिलिंग का काम है,
कोई भी सेंसिबल कंपनी एक जगह सिर्फ नहीं अपना पाइप डालती है, वो 100 पाइप बिछाती है। कहां ऑयल निकलेगा? आप जितना मर्जी साइस्मिक स्टडी कर लो, जितने मर्जी डेटा निकाल लो साहब, दुनिया में कोई साइंस नहीं कि कहां ऑयल है कहां नहीं है। इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी, इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो इन्वेस्टिंग इज लाइक ऑयल ड्रिलिंग, आप 100 जगह डालोगे आपके 10-20 जगह निकल जाएंगे, आप 5 जगह डालोगे हो सकता है 5ों निकलेगे, हो सकता है 5ों 0 हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर सर, हमने यहां तक बात कर ली बहुत सारी अच्छी अच्छी अब हम आ जाते हैं सर इंडियन मार्केट के ऊपर अपनी, और इंडियन हमारे यहां पर जो हो रहा है, आपका एक पीछे आर्टिकल आया हुआ था, पहले सबसे पहले उसी को ले लेता हूं और उस पर एक्सप्लेन करेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका एक आर्टिकल था, आपने लिखा था यहां करेक्शन यस, बेयर मार्केट नो, और मैंने बहुत पढ़ा इस आर्टिकल को, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा आप यहां पर एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर अभी जो लोग, जनता है, बहुत सारे लोग हैं वो तो इसी इंतजार में है कि किस दिन करेक्श आएगा, किस दिन गिर जाएगा, ये बबल चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बड़ा मतलब इस तरह का चीज चल रहा है कि ये मार्केट जो चल रही है हवा में चल रही है सब कुछ, और यहाँ पर पैसा था तो चल पड़ी है, यहाँ कुछ है नहीं, ये देखो कोविड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ थर्ड वेव आ जाएगी, फोर्थ वेव आ जाएगी, और वहां यूएस अपने पैसे वापस निकाल लेगा, मतलब 20-50 थ्योरी हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही रिजल्ट है कि ये यहाँ क्रैश आना है, बस हमें टाइम नहीं पता 1 महीने बाद आएगा या 2 महीने बाद आएगा 3 महीने बाद आएगा, सब लोग इस इंतजार में किस दिन आएगा, बस वो दिन ढूंढ रहे हैं, जिससे पूछ लो ये कहता है जी बता दो टाइम, बता दो क्या हमारे को पता, उस आदमी को इतना इंटेलिजेंट है वो आदमी, वो कहता है सर मुझे ये तो पता है क्रैश आना है, आप मुझे सिर्फ दिन बता दो बस एक बार, आप मुझे टाइम बता दोगे ना तो अच्छा रहेगा, ये तो मुझे पता है, ये आज मुझे इसके लिए आपकी जरूरत नहीं पता करने की क्या आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे ये बता दो कि अगले महीने आएगा कि उससे अगले महीने। तो सर आपने ये जो लिखा है कि करेक्शन यस और जो बेयर मार्केट नो, सर इसको थोड़ा सा हम जान पाएंगे आपसे कि क्या है ये, कैसे हमारे लोगों के लिए, कि आपने क्यों कहा है ये? जी बिल्कुल। सो मेन रीजन है मेरी, अब इस वक्त बात करें लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी की, बिकॉज ये सारी चीजें उस पर बेस्ड है। सर मैं उसको भी एक बार ले लेता हूं, ये हमारे जो हैं, एक ये आपका एक आर्टिकल और आया था, इसमें आपने जो लिखा था ये आपके सामने है, लॉट जो थ्योरी है, तो वो भी इसी से जुड़ी हुई है आई थिंक, तो इसको भी एक्सप्लेन कर दें साथ में कि ये जो है लॉट आपकी जो थ्योरी है वो किस ढंग से काम करती है और इसके अंदर क्या है, तो इसको भी हम साथ में ले लेते हैं एक बार। और ये अपने लोगों के लिए ये बता दूं, ये शंकर सर की एक थ्योरी है लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी, तो इसको भी हम साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है सर ये लोगों के लिए, मैं चाहता था, मैंने तो पढ़ लिया है खैर, लेकिन मैं चाहता था आप एक्सप्लेन करें अपने मुंह से, अच्छा रहेगा सर। करेक्ट। तो लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी सर, ये भी हमने 25 साल पहले फॉर्म किया था कि भाई क्या है मार्केट का क्रक्स है क्या आखिर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक आप ऊपर में स्विम करिए, डीप डाइव करिए, हम हर चीज में डीप डाइव करते हैं, डीप डाइव करके ही आपको पर्ल्स मिलेंगे, तो ये पर्ल हमें मिला बिल्कुल समुद्र के सतह पे। ये पर्ल है कि हर एसेट क्लास एक आप लेक की तरह देखिए उसको, राइट? और लेक का मतलब यह होता है कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर उस लेक में समा सकता है, करेक्ट? लेक में इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं होती है, लेक की फाइनाइट कैपेसिटी होती है। एक एसेट क्लास, इक्विटी ले लें, बॉन्ड ले लें, रियल एस्टेट जो भी ले लें, उसमें एक फाइनाइट कैपेसिटी है रिटर्न्स देने की। सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टॉक मार्केट की रिटर्न है करीब, रिटर्न कैपेसिटी 14-15% है ओवर अ 30-year जर्नी, राइट? तो हम मोटा मोटा मानते हैं कि इस लेक की कैपेसिटी साल के 15% देने की है। अब ये हो सकता है कोई साल में वो बहुत कम दे जाए, कई साल में ज्यादा दे जाए, लेकिन ब्रॉडली उसकी कैपेसिटी 15% की है। अगर मैं ये डेटा के ऊपर बेचते, ये मेरी मेरी राय नहीं है, मैं ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। और इस तरह से आप सारे एसेट क्लास को एक लेक की तरह देख सकते हैं, और सबकी आप 20 साल 30 साल 40 साल 100 साल के इतिहास जहां अवेलेबल आप देखें, नॉर्मली स्पीकिंग वो रिटर्न्स मोटा मोटा वहीं पर एवरेज आउट करते हैं। ओके, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, अब मान लीजिए वो एवरेज आउट नहीं कर रहे हैं कुछ कुछ सालों से, तो मतलब कि लेक में पानी बड़ा कम हो गया। तो लेक में मान लीजिए 1 फुट पानी आने की जगह थी, वो आ गया या 10 फुट था तो 1 फुट पे पानी आ गया या 6 इंच पे आ गया, मतलब लेक में रिटर्न्स का लेवल बड़ा लो हो गया। अब क्या होगा कि बाय नेचुरल फोर्स ऑफ नेचर उसमें रिटर्न्स भरने लगेंगे,
और वो 1 फुट पानी 2 फुट हो जाएगा, 2 फुट 3 फुट हो जाएगा, 3 फुट 5 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। अब हर लेवल पे हमें ये लगेगा कि लेक में पानी बहुत ज्यादा हो गया, अब ये तो फ्लड हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम उस लो लेवल से उसको देखते हैं और कहते हैं यार ये तो डबल हो गया, 1 फुट 2 फुट हो गया, अब यहां तो बाढ़ आ जाएगा। नहीं, बाढ़ आएगा जरूर, लेकिन वो जब 10 फुट का पानी ओवरफ्लो करेगा तो इंडिया के 10 फुट का पानी है 15% का रिटर्न ऑन एन एनुअलाइज बेसिस, ओवरफ्लो का लेवल है 25-30% रिटर्न फॉर 2-3 years कंटिन्यूअसली। अब बैक टू माई क्वेश्चन, 2007 में क्यों कहा था मैंने, क्योंकि वो 3-4 साल 50% कंपाउंडेड रिटर्न हुआ था मार्केट का। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि उसके पहले का जो पीरियड था वहां लेक में बहुत कम आ गया था रिटर्न्स, तो उतनी कैपेसिटी हेडरूम बन गई थी कि वो पानी बढ़ता जाए, तो वो बढ़ता गया। 2007 में मैंने बोला यार दिखा मेरे को कितना रिटर्न बनाया कंपाउंडेड, ये 5 मिनट का काम है साहब, कितने सर 55%। मैंने बोला बॉस ये अब लेक ओवरफ्लो होने वाला है, अब इस लेक में उतनी वाटर की कैपेसिटी नहीं है, ये बाढ़ आएगा और सारे गांव डूब जाएंगे। अब एग्जैक्टली सेम का ऑपोजिट लास्ट ईयर था, जब मार्केट घटा, सेंसेक्स 27,000 का हो गया, लोगों ने कहा यहां से भी नीचे जाएगा, मैंने कहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी सतह के पास है पानी, अब उसमें और कुछ जगह नहीं है नीचे जाने के लिए। अगर 27,000 का सेंसेक्स है मार्च 2020 में, आप याद करिए जनवरी 2008 में क्या था, वो 21,000 था, 21,000 था, वो भी डॉलर टर्म्स में नहीं था सर। हाँ मैं तो बोलता हूं आप रुपी रुपी ले लो सर, रुपी चक्कर तो मैं लोगों को सर ये आपको दिखाता हूं, मैं ये चार्ट दिखाता हुआ आ रहा हूं लोगों को 8 साल से पिछले, के ये डॉलर टर्म्स के अंदर डॉलेक्स का चार्ट है, मैं लोगों को ये दिखाता आ रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि 2008 का अभी तो टॉप नहीं काटा और आप कह रहे हो बुल मार्केट खत्म होने वाली है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग। सर ये बात मैं अपने चैनल पे जानते हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, मैं पिछले 8 साल से दिखा रहा हूं, लोग कह रहे हैं बुल मार्केट खत्म होने वाली है, बुल मार्केट तो शुरू भी नहीं हुई भाई अभी। आप हर चीज को डॉलर में तोलते हो, अपनी कंपनी को बोलते हो $5 trillion की हो गई, ये हो गई इकॉनमी हमारी इतनी हो जाएगी, और अपने इंडेक्स को रुपी में देख रहे हो आप। आप जाके रिलायंस को बोलते हो 160 बिलियन की है हमारे यहाँ, 5 trillion की इकॉनमी हो जाएगी, तो उसको भी रुपी में बोलो, या तो फिर उसको डॉलर में बोल रहे हो, और सेंसस को देखेंगे रुपी में हम, वाई। ये मुझे एक्चुअली ये बात समझ में नहीं आती थी कभी भी कि इस चीज को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अभी भी हमारे यहां पर एक्चुअली 2020 के अंदर मुझे बहुत लोगों ने कहा ये तो खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, मैंने कहा भाई खत्म क्यों, अभी तो 2008 का टॉप भी नहीं कटा यार, अभी तो चलना शुरू भी नहीं हुआ ये, और आप बोल रहे हो खत्म होने वाला है, और यही स्टोरी सर इस समय भी है। आप जो बोल रहे हैं ना, ये लोग ना रेफरेंस पकड़ रहे हैं 7500 का या 27,000 सेंसेस का रेफरेंस पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बुल मार्केट खत्म होने वाली है। करेक्ट। और आपका हाँ वही आप कह रहे हो कि 10 फुट पानी अभी चढ़ा है, अभी तो इसमें आगे और भी जाने की जगह है। करेक्ट, मैं भी वही बात कह रहा हूं, लेकिन यहां पर लोगों का सर, और एक बार बताऊं सर, मैं ये बात खाली आम लोगों की नहीं है सर, ये बात बहुत सारे और लोगों की भी है जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, काफी अच्छे हैं, उनकी भी यही कहानी है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह का बबल है, ये है वो है, फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और अगर वो इन्वेस्टेबल भी हैं यहाँ पर, इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर, तो भी थोड़ा डर डर के हैं, निकाल लेंगे हम अभी यहां से, मतलब किसी को, जिसको मैं बोलता हूँ फेथ जो है ना, वो फेथ वो नहीं है किसी को यहाँ पे तो। और आपकी ये थ्योरी मुझे, मैं अगर ना आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूं सर, मैं ओपनली बोल रहा हूं यहां पर कि मेरे को आपकी यही बातें इतनी अच्छी लगती है ना, और मेरे से बिल्कुल ऐसे मैच करते हैं सर, मेरे पास कोई इतनी अच्छी अच्छी थ्योरी नहीं होती सर आप जैसी, लेकिन वो मैच बिल्कुल कर रही होती है सारी चीजें। अब ये वाला चार्ट जो है ना, ये ठीक है ना सर, ये चार्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ तो यही तो चार्ट मैंने नवंबर 2019 में लगाया था यार, कि 9 साल से कुछ बना ही नहीं डॉलर टर्म्स में, पर मैं 2012 से दिखा रहा हूँ लोगों को ये चार्ट, मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हैं, 2012 से दिखा रहा हूँ मैं लोगों को ये चार्ट। वो बोला 21,000 का सेंसेक्स पार हो गया, मैंने बोला 21,000 का सेंसेक्स पार हुए रुपी टर्म्स में, डॉलर्स में तो कहीं जा ही नहीं रहे अभी हम। करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, और यही चार्ट मैंने बहुत लोगों को दिखाया हुआ सर, बाय द वे,
कि डॉलर मुझे टर्म्स में तो मालूम कुछ हुआ ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तेजी तेजी। है। तो बेसिकली 2008 जनवरी 21,000, मैं रुपी की रुपी की बात कर लेता हूं, और 2020 मार्च में 27,000। अब ये तो ऑलरेडी मंदी में है, इसमें और क्या मंदी आएगी? जो चीज बिल्कुल जो कि मैंने लिखा है इस आर्टिकल में कि व्हाट इज ऑलरेडी इन अ बेयर मार्केट कैन नॉट गो इन टू बेयर मार्केट यार। एग्जैक्टली तो जो मरी हुई चीज और क्या मरेगी? 21,000 और 12 साल के बाद चला वही के वही वो 27,000। तो अब ये घटने का कोई चांस ही नहीं है, घट चुका है। अब ये चाहे तो यहां रह जाए या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बिल्कुल और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप आज देख लें, आज भी 55,000 का सेंसेक्स है, आप सीएजीआर तोड़ लीजिए 21,000 का 2008 की जनवरी से, राइट? मोटा मोटा डबल से थोड़ा सा बेटर हुआ है ओवर अ 13 ईयर पीरियड। तो बिल्कुल आज भी क्या बना साहब, 8 8%, 9%, 10% कुछ सीएजीआर ओवर, भी कुछ भी नहीं बना ना। तो अभी तो नहीं, लेक में 3 फुट पानी आया है, उसकी कैपेसिटी है 10 फुट की। तो अभी ये लेक, हाँ लेक में क्या होता है सर कि थोड़ा थोड़ा बीच में वो पानी के बहाव को निकालने के लिए थोड़े होल्स या थोड़े पाइप डाल देते हैं कि मतलब एकदम सडनली बढ़ नहीं जाए। तो करेक्शन का मतलब होता है वो छोटे छोटे पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, राइट? लेकिन वो फ्लड नहीं हो सकता उस पाइप के थ्रू। फ्लड आएगा जरूर, आज नहीं आएगा, 3 साल के बाद आएगा। 3 साल के पहले कोई फ्लड का चांस नहीं है। तो इसीलिए आपने आर्टिकल लिखा था ये कि आपके मतलब पूरे इस खेल के अंदर बीच बीच में करेक्शनें तो आएंगी, लेकिन ये है कि आप सोचो कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, वो नहीं होने वाली है। तो हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो काफी घबराए घबराए से घूमते हैं आजकल, और सब लोग ये बोलते हैं बबल हो गया बबल हो गया। तो मैं तो बहुत समझा चुका हूँ आपसे कि आपको अभी आपको शंकर सर भी समझा रहे हैं, अगर अभी भी समझ जाओ तो बहुत। अभी भी मेरे हिसाब मेरे अपने हिसाब से अभी भी बहुत बड़ा खेल बाकी है, लेकिन अब ये है कि लोग समझेंगे तो समझेंगे सर, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, इसको क्या कह सकते हैं।